ये कोई शादी की दावत नहीं बन रही और ना ही ये किसी हलवाई की किचन का सीन है। नोएडा की सेव अ स्ट्रे संस्था की इस किचन में बनता है 3000 जानवरों के लिए खाना, वो भी हर रोज, जिसे चलाते हैं विदित शर्मा जी। लॉकडाउन के समय जब बेसहारा जानवरों को कहीं खाना नहीं मिल रहा था, तब विदित जी ने अपनी ही किचन में 30 जानवरों के लिए खाना बनाने से इस फीडिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। लेकिन जब उनके मकान मालिक ने इस बात पर आपत्ति जताई, तब भी विदित जी रुके नहीं। उन्होंने 5 लाख रुपए का लोन लेकर एक दूसरी जगह पर बड़ी सी किचन सेटअप की, जहां पे वो अपने 10 लोगों की टीम और कुछ पार्ट टाइम वॉलंटियर्स के साथ 3000 जानवरों के लिए रोज खाना बनाने लगे। सेव अ स्ट्रे किचन में खाना बनना सुबह सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है, जहां विदित जी अपनी टीम के साथ तकरीबन 200 किलो चावल रोज बनाते हैं। फिर इस खाने को गाड़ियों में लोड करके वो निकल जाते हैं अपने फीडिंग प्रोग्राम पे, और उनकी घर वापसी होती है रात के 12-1 बजे तक। जब भी हम लोग खाना खिलाने के लिए जाते हैं, जो उनकी आंखों में वो ग्रैटिट्यूड वाला जो फील होता है, वही हमें हमेशा मोटिवेट करता है उन जानवरों के लिए हमेशा कुछ करने का, फिर से उनके पास वापस जाने का और डेली उनको फीड कराने का। सिर्फ यही नहीं, विदित जी नौकरी भी करते हैं और अपनी आधी सैलरी इसी काम में लगाते हैं। हमारे पास कम वॉलंटियर्स हैं, हमारे पास टीम बहुत छोटी है, हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी कम हैं। अगर लोग चाहें तो लोग हमारे साथ वॉलंटियर कर सकते हैं, लोग हमें राशन के लिए हमारी हेल्प कर सकते हैं, जिससे हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को खाना खिला पाएं।